बॉलीवुड एक्टर और गदर 2 के तारा सिंह सनी देओल की गर्लफ्रेंड मुंबई में पकड़ी गई। मीडिया के कैमरों को देख भागी सनी देओल की गर्लफ्रेंड। क्या सचमुच सनी देओल का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। भाई सनी देओल यानी तारा सिंह फिल्म गदर की सक्सेस के बाद बेहद खुश है, लेकिन आज उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर बहुत ज्यादा खबरें सुनाई दे रही है और वजह है सनी देओल की गर्लफ्रेंड। जी हाँ, हाल ही में सनी देओल की गर्लफ्रेंड को मुंबई के थिएटर के बाहर देखा गया और खास बात यह है कि जैसे ही सनी की गर्लफ्रेंड ने पत्रकारों और उनके कैमरों को देखा तो वो भागने लगी। तो क्या सचमुच सनी देओल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? और आज मैं आपको एक सबूत भी देने वाली हूँ। क्या है पूरी खबर, कौन है सनी देओल की गर्लफ्रेंड, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल यूं तो कभी भी किसी हीरोइन के साथ प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी है जिनके साथ अक्सर सनी देओल का नाम जोड़ा जाता है और वो भी शादीशुदा होने के बावजूद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की पत्नी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी डिंपल कपाड़िया की। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में डिंपल कपाड़िया पहुंची मुंबई के गैलेक्सी थिएटर सनी देओल की फिल्म गदर 2 को देखने। अभी आप ये बात जानते ही होंगे कि डिंपल कपाड़िया है अक्षय कुमार की सासू माँ। गदर के साथ साथ अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 यानी ONG 2 भी रिलीज हुई थी, लेकिन डिंपल कपाड़िया ने अपने दामाद अक्षय कुमार की फिल्म ONG 2 को देखने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड सनी देओल की फिल्म को देखने वो मुंबई थिएटर पहुंची। आपको बता दें डिंपल कपाड़िया व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने नजर आए और साथ ही डिंपल कपाड़िया ने एक स्पेशल हैट यानी टोपी भी लगा रखी थी। आपको बता दें कि अक्सर ऐसी ही टोपी कई बार सनी देओल भी लगा चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि सनी देओल ने ही अपनी गर्लफ्रेंड यानी डिंपल कपाड़िया को ये हैट तोहफे में गिफ्ट की थी। जैसे ही डिंपल कपाड़िया थिएटर से निकली तो उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बाहर मीडिया वाले और उनका कैमरा उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही डिंपल कपाड़िया ने कैमरे को देखा तो तुरंत भागने लगी। जब उनसे पूछा भी गया कि उन्हें सनी देओल की फिल्म गदर 2 कैसी लगी तो डिंपल कपाड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि 90s के दौर से सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के अफेयर की खबरें चली आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि डिंपल कपाड़िया और सनी देओल ने एक दूसरे से गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली है। हालांकि अभी खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि डिंपल कपाड़िया और सनी देओल को अक्सर साथ देखा जाता है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही यानी 16 अगस्त के मौके पर भी डिंपल और सनी देओल को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था और ये कहा जा रहा था कि डिंपल और सनी छुट्टियां मनाने के लिए लंदन जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद ही होगा साल 2017 में भी लंदन की सड़कों में डिंपल और सनी देओल को एक साथ देखा गया था और इन दोनों की छुट्टियों की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में डिंपल कपाड़िया अपने बॉयफ्रेंड सनी देओल का हाथ पकड़े नजर आ रही थी। आपको बता दें कि अक्सर ये कहा जाता है कि सनी देओल शादीशुदा है और कभी किसी वक्त में डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों का अफेयर खत्म नहीं हुआ। खबरें तो ये भी है कि डिंपल की दोनों बेटियां यानी ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना बचपन में ही सनी देओल को अपना छोटा पापा कहकर बुलाते। अब भाई सनी देओल और डिंपल के अफेयर की खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि जब से डिंपल और सनी के अफेयर की खबरें उड़ी है तब से सनी देओल गुपचुप तरीके से अपने आप को छुपाए बैठे हैं। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।